नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो उत्तर प्रदेश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मेरे साथ हैं प्रोफेसर विभागाध्यक्ष मानसिक चिकित्सा विभाग KGMU के डॉक्टर PK दलाल। सर स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। नमस्कार सर, जैसे कि मानसिक रोग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है देश प्रदेश और दुनिया की, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक रोग क्या होता है आखिर? जी, मानसिक रोग की जो परिधि है उसमें बहुत सारे बीमारियां आती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हैं, जिनको हम लोग कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, वो हैं जैसे अवसाद या डिप्रेशन है, एंग्जाइटी या उलझन घबराहट की बीमारी है। इसके अलावा जैसे शरीर में कई जगहों पे दर्द होना, वो ऐसी बीमारी जिसका कि कोई शारीरिक कारण नहीं होता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से वो परिलक्षित होती हैं, तो इनको हम लोग सोमैटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ग्रुप देखा गया है जो कि नशीले पदार्थों के सेवन करने वाला है, तो ये कुछ मुख्य बीमारियां होती हैं। इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जिसको कि आम जनता पागल के नाम से जानती है, पागलपन की बीमारी कहते हैं जिसको, वो बहुत कम इस तरीके के रोगी होते हैं, लेकिन वो समाज में परिलक्षित ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो तोड़फोड़ करना, गाली गलौज करना या कपड़े उतार के फेंक देना, दूसरों को बुरा भला कहना, इस तरीके के जो बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं, लेकिन वो ज़्यादातर समाज में दिखाई देती हैं। तो ये सारा ग्रुप मिला जुला करके इनको हम लोग, ये जो आखिरी बताए इनको हम लोग साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, इस तरीके की बीमारियां आती हैं। तो ये सब मिला जुला करके मुख्यतया इस बीमारी का, वैसे और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, ये मैंने मोटे तौर पे आपको ये 4-5 मुख्य बीमारी के बारे में बताया। क्या सर, मानसिक बीमारियों को लोग गंभीरता से लेना नहीं चाहते हैं, या कैसी मानसिकता उनकी हो जाती है जो मानसिक बीमारियों को छुपाने का प्रयास करते हैं? जी, ये बड़ा ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे देश में, जिसमें कि लोग मानसिक रोगों को छिपाने की कोशिश करते हैं और मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि वो तो पागलों के डॉक्टर हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। जो पागलपन वाली बीमारी जो मैंने बताया, वो 1% से भी कम लोगों में देखी जाती है, जबकि जो बाकी और बीमारियां बताया, जैसे अवसाद है या तमामों तरीके की उलझन घबराहट की बीमारियां हैं, जिसमें बार बार हाथ पैर धोना, इस किस्म के चेक करना, इस किस्म की भी बातें आती हैं, और इसके अलावा जो सोमैटिक बीमारियां हैं, शरीर के विभिन्न प्रकार के जो लक्षण होते हैं उनसे संबंधित होती है, और नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये सब मिला जुला करके कम से कम करीब 8-9% की तादाद में ये वाले मरीज समाज में हैं हमारे। तो इसलिए सारी बीमारियों को सिर्फ पागलपन से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, और जब तक कि मरीज़ उस बढ़ते बढ़ते रोग उस कगार पे नहीं पहुंच जाता है, तब तक लोग नहीं ले करके आते हैं। जबकि हम लोगों का ये कहना है कि जल्दी से जल्दी, जब भी व्यवहार में कोई भी परिवर्तन दिखे उस व्यक्ति में, तो तुरंत उसको ले करके आकर के दिखाया जाना चाहिए। जितनी जल्दी वो ला करके दिखाएंगे हमें, उतनी ही जल्दी और उतनी ही सुविधा से उनका इलाज संभव हो पाएगा। अच्छा सर, ग्रामीणों में देखा जाता है कि ग्रामीणों में मानसिक रोग का शिकार लोग होते हैं, लेकिन जान नहीं पाते कि हम वाकई में मानसिक रोग का शिकार हैं, तो ग्रामीण कैसे जान पाएंगे कि वो मानसिक रोग के शिकार हैं? जी, ग्रामीणों में और शहर के लोगों में देखिए, लक्षण तो सामान्य वही होते हैं। जैसे अलग अलग बीमारियों के बारे में अगर लिया जाए, तो अवसाद की जो बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसमें ये होता है कि नींद नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, तो शरीर का वजन कम हो रहा है, मन दुखी है, उदास है, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं करता है, नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा आती हैं मन में कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, कई बार किसी दूसरे से मिलने जुलने का मन नहीं करता, आने जाने का मन नहीं करता, और
कई बार इसमें जब बीमारी आगे बढ़ जाती है तो इसमें ये भी मन में विचार आते हैं, आत्महत्या करने के भी विचार तक आ जाते हैं व्यक्ति के। तो इस तरीके के जब लक्षण हो किसी भी व्यक्ति में तो उसे अवसाद या डिप्रेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो उनको तुरंत जल्दी से जल्दी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। इसके अलावा जैसे उलझन घबराहट है, तो उलझन घबराहट अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है या वो बार बार हाथ पैर धो रहा है, बार बार किसी चीज़ को चेक कर रहा है, तो ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की परिधि में आता है, तो उनको भी दिखाया जाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे उलझन हो रही है। कुछ लोगों को जैसे अंधेरे से डर लगता है, सफ़र में डर लगता है, भीड़ भाड़ में डर लगता है, लिफ्ट में जाने में डर लगता है, बंद जगहों से डर लगता है, जिनको हम लोग फोबिया कहते हैं। तो ऐसे भी ये बीमारियाँ बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो आ करके और परामर्श करना चाहिए अपने मानसिक रोग विशेषज्ञ के साथ। तो सर ज़्यादातर देखा जाता है कि जैसे ग्रामीणों में कोई मानसिक से जुड़ी बीमारी होती है या ऐसी वैसी कोई वो घटनाएं करना शुरू करता है तो लोग झाड़ फूँक का ज़्यादा वो प्रयोग करने लगते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? इसमें हमें यही कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति में कोई असामान्य व्यवहार आपको दिखाई देता है तो हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आप अपने निकटतम मानसिक रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें और जो आपको सही इलाज का तरीका बताएगा, सही रास्ता बताएगा, और उसके इलाज से आप जल्दी ठीक हो पाएंगे, बजाय इसके कि आप झाड़ फूँक पे अपना समय व्यर्थ करें। जी सर, जैसे आप कई बार अभी अवसाद की बीमारी का जिक्र कर रहे हैं लगातार, तो ऐसा सुनने में आया कि ये अवसाद जो बीमारी है 2020 तक दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी बीमारी बनने वाली है। जी। तो अवसाद के सर कारण क्या होते हैं कि आदमी अवसाद से ग्रसित हो जाता है? जी, कारणों में ये होता है कि जो मानसिक रोग हैं उनको ज़्यादातर हम लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। कि एक तो ये होता है कि थोड़ी सी इसमें अनुवांशिकता का पुट होता है, कि मतलब अगर परिवार में माता पिता भाई बहन या उनके परिवार में किसी को है तो उस व्यक्ति में इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो तभी होगा, नहीं होने से भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ साइकोलॉजिकल कारण होते हैं और कुछ समाज के भी, जैसे मान लीजिए दबाव है, स्ट्रेस है ना, इस तरीके से भी इसमें हो ये बीमारी आ जाती है सामने। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग बायोसाइकोसोशल मॉडल कहते हैं। कि जैसे मान लीजिए जब वो बच्चा बढ़ रहा है जन्म के बाद से, तो भी उसमें कुछ कुछ बातें और कैसे वो सीख रहा है, उस समय परिवार का वातावरण कैसा है, किस तरीके से उसको पाल पोस करके बड़ा किया गया, ये सब चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। उसका आगे चल रहा है तो वो किसी व्यसन का शिकार तो नहीं है, उसके मित्रगण कैसे हैं और पढ़ाई में कैसा कर रहा है, कितना दबाव झेल पा रहा है, कितना परेशान हो जाता है इन सब बातों से, इन सब कारणों को मिला जुला करके ये माना जाता है कि ये अवसाद जैसों का कारण बन जाते हैं। सर, जो आज की आधुनिकता की जीवन शैली है जी, वो अवसाद को बढ़ावा देने में कितनी कारगर हो रही है? हाँ, जैसे ये देखा जाता है कि खासकर जो आजकल लोग व्यस्त बहुत हो गए हैं, जैसे ये कहा जाता है कि भाई शहरों में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो लोग काम पे जाते हैं दूर दराज अपने घर से, उनको जाना पड़ता है आजकल काम के लिए, शहर में गए फिर शहर से काम करके लौट करके आए, तो इसमें सुबह निकल जाते हैं, शाम तक थके हारे लौट करके आते हैं, तो इस कारण से उनको अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने का समय कम मिल पाता है। और इसके अलावा जैसे हम लोग कहते हैं कि एक आप संतुलित जीवन यापन करिए, जिसमें कि सुबेरे उठ करके घूमिए टहलिए, थोड़ा सूरज की रोशनी में थोड़ा व्यायाम करिए, इसके अलावा संतुलित आहार लीजिए, एक डिसिप्लिन में रहिए, समय से सोइए, समय से उठिए, किसी व्यसन का शिकार न बनिए, और इसके अलावा जो टेंशन है या स्ट्रेस है उससे दूर बने रहें। तो इन सब चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति करे तभी वो इन सब मानसिक रोगों से थोड़ी बहुत उसकी बचत हो सकती है। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में अब वो उसको दो घंटे
तक सफ़र करके फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचता है, फिर वहां पे 8 घंटे 10 घंटे आजकल काम करना है, उसके बाद फिर 2 घंटे सफ़र करके वापस लौट के आए, तो तब तक वो इतना थक चुका होता है शारीरिक और मानसिक रूप से कि उसके बाद फिर वो और कोई बातें उसको अपने खुद के लिए या अपने परिवार के लिए सोचने का समय नहीं मिल पाता है। तो इस नाते वो ज़्यादा परेशानियाँ आजकल देखने को मिल रही हैं। सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल, सोशल मीडिया जी, ये सब अवसाद में कितना कारण है सर इनका? हाँ, मतलब ये आजकल देखने को आ रहा है कि खासकर जो हमारे बच्चे हैं और जो युवक हैं, वो युवक युवतियाँ वो ज़्यादा इसके शिकार होते जा रहे हैं। जब से ये स्मार्टफोन आ गया है तो उसके बाद से ये लोग एक तरीके का इसका भी व्यसन शुरू हो गया, इसका भी एडिक्शन शुरू हो गया है। तो जिसके कारण से वो आपस में बैठ करके बातचीत करना, हंसी मजाक करना और आपस में किसी बात पे चर्चा करना, इस तरीके की चीज़ें कम होती चली जा रही हैं। साथ में घूमना फिरना, साथ में बैठ करके भोजन करना, तो ये सब चीज़ें कम होने की वजह से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एकाकी होता चला जा रहा है, और जिसके नाते भी कई बार अवसाद या एंग्जाइटी, इस तरीके की जो उलझन घबराहट वाली जो तकलीफ़ें हैं, ये सामने आती दिखाई पड़ती हैं। सर, अवसाद की क्या कोई उम्र होती है किसी की? ये बच्चों को होगा या बूढ़ों को होगा या किसी को होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अवसाद किसी भी उम्र में हो सकता है। छोटे छोटे बच्चों में भी हम लोग अवसाद देखते हैं, उसका इलाज करते हैं, किसी भी उम्र में, और उम्र दराज लोगों को भी अवसाद होता है। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि अरे इसकी उम्र ही क्या है अभी, और ये तो अभी बहुत छोटा है, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। इसलिए आप इन सब बातों को न खुद से न इसका निर्णय लें, बल्कि इसको आप जो भी, अगर बच्चे को, बड़े को, किसी को भी कोई आपको लगता है असामान्य व्यवहार है, तो उसको ले करके आप जल्दी से जल्दी, जहाँ तक संभव हो सके, आप अपने निकटतम मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जा करके उनसे संपर्क करें और उनसे परामर्श जरूर हासिल करें। सर, देखा जा रहा है कि अवसाद की वजह से आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, तो अवसाद के बाद क्या प्रक्रिया होती है जो आदमी आत्महत्या तक पहुंच जाता है? जी, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि अवसाद के जो प्रारंभिक लक्षण अगर दिखाई दें, जो मैंने अभी बताया, तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाया जाना चाहिए, वरना वो व्यक्ति अपने आप में ही नकारात्मक सोच इसकी इतनी हो जाती है कि वो ये समझने लग जाता है कि मैं बेकार हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, मेरी वजह से ही परिवार में इतने लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसलिए मेरा इस दुनिया में जीने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर हो कि अगर मैं न रहूँ इस दुनिया में, मेरा जीने से क्या फ़ायदा है। तो इस तरीके की बातें फिर वो इंसान के मन में आने लग जाती हैं। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं कि लगभग 7-8% लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है, और उसमें लगभग 10-15% वो जो डिप्रेशन, अवसाद की बीमारी, उससे 10-15% जो लोग हैं, जो अवसाद से पीड़ित हैं, वो लोग सुइसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, और कहीं ज़्यादा लोगों को आत्महत्या के विचार आते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी इस तरीके के विचार कोई भी व्यक्ति अगर वो जाहिर करे, तो घर वालों को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत ही उसको मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, जिससे कि आत्महत्या से बचा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मानसिक रोगों से जुड़ी इतनी सारी जानकारी देने के लिए। जैसा आपने देखा कि सर ने हमें मानसिक से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ दी, अगर आपको जितनी सर ने कारण बताए बीमारियों के, उनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देता है, तो आप तुरंत मनोचिकित्सक से ज़रूर मिलें और उनसे परामर्श लें। ग्रामीण क्षेत्रों में झाड़ फूँक का बिल्कुल सहारा न लें। अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप आकर किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, और हमेशा स्वस्थ रहें, अपनी जीवन शैली को ध्यान रखें। गांव कनेक्शन में मैं दीपांशु मिश्रा, सहयोगी विनय गुप्ता के साथ।